हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सशीज किचन। आज हम बनाएंगे बहुत कम इंग्रेडिएंट से घर पे ही टेस्टी एंड ऑल सीजन फेवरेट कुल्हड़ ड्राई फ्रूट्स कुल्फी। अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई पोस्ट द न्यू वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, कुल्हड़ ड्राई फ्रूट्स कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो है इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, दूध, काजू, 1/2 कप चीनी, 1/4 कप मिल्क पाउडर, बादाम, अखरोट, पिस्ता और हमने ली है फ्रेश मलाई। कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टोव ऑन करेंगे और एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें ऐड करना है दूध। हमने होल फैट मिल्क लिया है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और अच्छे से उबाल आने तक हमें दूध को मिक्स करते हुए पकाना है। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए और थिक हो जाए, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर और मिक्स करते हुए फ्लेम को लो टू मीडियम रख के दूध को हमें पकाना है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि दूध को हमें मिक्स करते हुए ही पकाना है और जब दूध में चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। इससे हमारी कुल्फी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जब आप मिल्क पाउडर ऐड करें तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। जब चीनी और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए और दूध में बॉईल आने लगे, इसमें ऐड करेंगे फ्रेश मलाई और इसे हमें मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मिल्क अच्छे से बॉईल हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई है। अब हम दूध में ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं अखरोट, बादाम और काजू। हमने थोड़े ड्राई फ्रूट्स बचा के रख लिए हैं। हम इसे गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे लास्ट में। फ्रेंड्स, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें अनार के दाने भी यूज कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब दूध को उबाल आने तक हमें पकाना है। फ्रेंड्स, दूध रेडी हो गया है। चलिए स्टोव ऑफ कर देते हैं और गर्म दूध को हम साइड रख लेते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। और जब दूध गुनगुना गर्म रहे, इसे हम ब्लेंड कर लेंगे और इसे कवर करके 40-50 सेकंड्स के लिए हम इसे ब्लेंड कर लेंगे ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट हमारी कुल्फी में बहुत अच्छा आए। और ब्लेंड किए हुए दूध को हमें इस बोल में ट्रांसफर कर लेना है। अब हमें 15-20 मिनट्स के लिए दूध को ठंडा होने के लिए रख देना है। हमने यहाँ पे इस तरह के कुल्हड़ लिए हैं और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, 15-20 मिनट्स हो गए हैं और हमने दूध को ठंडा कर लिया है। तो चलिए अब कुल्फी मिक्सर को हम कुल्हड़ में फिल कर लेते हैं। सभी कुल्हड़ में हमने दूध फिल कर लिया है और अब इसे गार्निश करेंगे बचे हुए ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिख रही है ना हमारी कुल्फी बहुत ही टेस्टी और कलरफुल। देखिए, हम कुल्फी को आपको दिखाते हैं कि कितनी अच्छी दिख रही है। और देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी को हमने परफेक्टली बनाया है। कुल्फी को हम फिल करने के बाद साइड रख लेते हैं। तो चलिए अब हम कुल्फी को कवर कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है एल्यूमिनियम फॉइल। फॉइल को आपको इस तरह से कुल्हड़ पे कवर कर देना है ताकि जब हम कुल्फी को फ्रीजर में सेट करें तो इसमें बर्फ ना जमे और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हमारी कुल्फी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम कुल्फी को सेट होने के लिए फ्रीजर में 3-4 आवर्स के लिए रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं 3-4 आवर्स के बाद, जब हमारी कुल्फी जो है अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं 3-4 आवर्स के बाद।
तो फ्रेंड्स 4 आवर्स हो गए हैं और हमारी कुल्फी जो है वो अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो चलिए फ्रीजर में से हम कुल्हड़ को निकाल लेते हैं। हमने कुल्फी को फ्रीजर में से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर रख दिया है। तो चलिए इसे हम निकाल के देखते हैं कि हमारी कुल्फी जो है वो सेट हुई है या नहीं। वाओ, लुक्स डिलीशियस। ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। देखा ना फ्रेंड्स कि घर पे कुल्हड़ ड्राई फ्रूट्स कुल्फी बनाना कितना इजी था। और हमने इसे बनाया है घर में ही रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ और ये मार्केट से भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। तो चलिए आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर बनाएं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।